हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश फैक्ट्स वीडियोस। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नाक जो है वो तो एक ही है, तो आखिर इसमें दो नॉस्ट्रल्स क्यों है? बिस्किट में ऐसे होल्स क्यों होते हैं? क्या इससे बिस्किट में कुछ फर्क पड़ता है? इंटरनेट यूज करते समय आपने एक ना एक बार तो रिकैप्चर भराया होगा, पर ऐसा क्यों होता है? जानने के लिए हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना। हमें बचपन से सिखाया जाते हैं हम दूसरों के साथ जैसे बिहेव करेंगे वो भी हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की माने तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। उनकी हर किसी का दिल सेम नहीं होता, यानी अगर आप किसी की मदद करते हो तो जरूरी नहीं वो भी आपकी मदद करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय ये दोनों वर्ड्स मार्केटिंग से रिलेटेड है, और इनको आपने ज़्यादातर किसी मूवी या किसी भी मैच में देखा होगा। स्पॉन्सर्ड बाय का मतलब है कि कोई कंपनी किसी मूवी या शो को स्पॉन्सर करते हैं, वो कंपनी उस मूवी या शो का कुछ परसेंट खर्चे उठाती है, जिसके बदले वो शो या मूवी उस कंपनी का नाम लेती है। एंड पावर्ड बाय मीन्स अगर कोई कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बना के किसी मूवी या शो में यूज करने देती है तो उसे पावर्ड बाय कहते हैं, जिसके बदले वो शो को उस कंपनी का या उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ता है। इंटरनेट यूज करते समय आपने एक ना एक बार रिकैप्चा तो भरा ही होगा जो ये क्वेश्चंस पूछता है कि क्या आप रोबोट हो या नहीं। सुनने में तो ये टाइम पास लगता है, पर ये वेबसाइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्राम करके बॉट बना लेते हैं, जो कि एक ही चीज़ को रिपीट करता है, और ये बहुत बड़ी समस्या होता है। क्योंकि समझो, किसी एक वेबसाइट में एक बार लॉगिन करने से 10 रुपया मिलता है, तो ऐसे 10 बॉट बना के आप एक वेबसाइट में 5 मिनट में 1000 बार लॉगिन कर सकते हो। ऐसे में वेबसाइट और कंपनी को लॉस होगा, पर इससे बचने के लिए रिकैप्चर होता है जो कि हर बार न्यू कोड से बना होता है। और बॉट तो एक ही प्रोग्राम से रिपीटेडली रन किया जाता है, और इसीलिए बॉट इसके आगे नहीं पढ़ पाता और वो इसी बटन पे रुक जाता है। और इंसान अगर पढ़ रहा है तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके आगे चला जाएगा, पर एक रोबोट नहीं जा पाएगा। बिस्किट में ऐसे होल्स क्यों होता है? क्या इससे बिस्किट में कुछ फर्क पड़ता है? अगर आपको लगता है कि ये होल्स बस बिस्किट को अच्छे दिखाने के लिए काम आते हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। ये होल्स बिस्कुट को क्रांची और अच्छे से पकने में मदद करता है। फैक्ट्री में बिस्कुट को शेप में करने के बाद एक मशीन से जानबूझ के बिस्किट के ऊपर होल किया जाते हैं, और उसके बाद उसे पकने भेजा जाते हैं। क्योंकि होल्स की वजह से बिस्किट अंदर और बाहर दोनों जगह से पकते हैं और कहीं से भी कच्चे नहीं रहते। क्योंकि अगर आपके पैकेट में कच्चे या बिना क्रांच वाले बिस्किट आ जाएंगे तो क्या आपको पसंद आएगा? ऑब्वियसली नहीं। जरा आप इस इमेज को गौर से देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अकेले रहना कितने अच्छा होता है किसी बिगड़े हुए इंसान के साथ रहने से। जैसे कि ये फ्रूट खराब हो गया, और एक फ्रूट खराब होने की वजह से ये भी फ्रूट इसके वजह से खराब होने लगा, और इसके इमेज को आप यहाँ देख सकते हो। इसमें से पता चलता है अकेले रहने में ही हमारे भलाई है। जब भी आप फोन उठाते होंगे तो आप कहते होंगे हेलो, बट ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में मेनली लोग फोन उठा के ग्रीटिंग करता है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एट्सेट्रा, और रशिया में लोग फोन उठा के कॉमनली बोलते हैं आई एम लिसनिंग। क्या आपको पता है कि जब भी किसी आदमी की डेथ होती है तो उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है वो सबसे एंड में जाता है, यानी किसी डेथ के बाद वो 2 से 3 मिनट तक जो बातें होती है वो सुन सकता है, और सबसे पहले जो चीज जाती है वो है सेंस ऑफ टच। सिम कार्ड का एक कोना आखिर कटा क्यों होते हैं? क्या है कि सिम कार्ड पुराने जमाने में जब नया नया शुरू हुआ था ना, कि मोबाइल नामक एक चीज़ होता है और सिम कार्ड नामक एक चीज़ होता है, ये इसमें लगा दो तो ही दूसरों से बात कर पाओगे। जब ये नया नया आया था ना, तब शुरू में एक्चुअली सिम कार्ड नॉर्मल सा रेक्टेंगल होता था, बट मोबाइल फ़ोन में जब उसे कस्टमर्स फिट करते थे तो अगर ये स्क्वायर रहेगा पता थोड़ी चलेगा कि कौन साइड क्या लगेगा। तो कौन साइड क्या है ये लोगों को कॉन्फ्यूज़न होने लगा, और आपको ये एक नॉर्मल सा कॉन्फ्यूज़न लग रहा है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बट जब केसेस हद से बढ़ने लगा टेलीकॉम कंपनीज परेशान हो गए,
तब सिम कार्ड का ये चलन शुरू हुआ था। उसके कुछ दिन बाद ही सिम कार्ड का एक कोने को कट किया गया ताकि हर इंसान को पता हो सिम कार्ड कैसे लगाया जाए। एंड मोबाइल्स में भी सिम कार्ड ट्रे को ऐसे बनाया गया ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि किस साइड में सिम कार्ड को लगाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उसे क्लिक करके ऑल में क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।